हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। जनरली ये दो प्लेट्स या तो तीन प्लेट्स पर पूछा जाता है। एक हम लोगों ने एग्जांपल के फॉर्म में सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है रिजल्टेंट चार्ज बताना है सारे प्लेट्स पे। देखो तीन प्लेट्स हैं हमारे पास, प्लेट नंबर 1, 2 और ये हो जाएगा 3। तीनों पे इनिशियल चार्ज दिया हुआ है Q1, Q2, Q3। इनकी वजह से ना ये आउट ऑफ 6 साइड्स प्लेट्स पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी थिन प्लेट से या साइड से कितना होता है। वो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको आप लिखोगे 1/2a एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक साइड से जब पढ़ाया जाए। ध्यान रखना ये अभी यूज होने वाला है। सिमिलरली देखो ये Q1 है, Q2 है और Q3 है। एक प्रॉब्लम आ गई अपने सामने, तीन चार्ज तो मिली गए अपन को अननोन, और साथ ही साथ यहाँ पे 6 चार्जेस और हैं, और यही 6 के 6 चार्ज निकालने हैं अपन को। और हमें चार्जेस पता करने हैं, वो हैं Q(a), यहाँ पे हो जाएगा B, फिर हो जाएगा C, और ये सिमिलरली अपन ये 6 के 6 चार्जेस को लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब अपना ही काम है अभी, आउट ऑफ 6 चार्जेस। अब देखो बहुत ज्यादा ही वेरिएबल्स होते जा रहे हैं हमारे पास। तो Q1 अगर इस प्लेट पे आएगा तो इस एंड पे अपीयर होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, Q(a) जैसा हमने लिखा हुआ है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों Q(b). लेकिन Q(b) के टर्म को अपन थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे, देखो Q(1) है, उसी का कुछ पार्ट इस पे गया होगा और इधर भी गया होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मैथ्स में लगा लो, Q(b) पता करना है, तो हो जाएगा Q1 में से Q(a) चला गया, सिंपल हो गया बच्चों। सिमिलरली ये Q2 दिखा है, तो इस एंड पे क्या आ जाएगा, Q(c) आ जाएगा, सीधा है ना आंसर। तो और ये कितना हो जाएगा Q(d), वो भी आप लिख सकते हो। तो देखो Q(d) हो जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q(c). वही काम इसके साथ भी करना है, इस एंड पे आएगा E और यहाँ पे आएगा F, किसी एक को किसी दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे Q(f) पुटअप कर रहा हूं, और वो हो जाएगा बच्चों Q3 माइनस ऑफ Q(e). ये तीन बातें यहाँ क्लियर हो रही हैं। अब और ध्यान दो, मेटालिक प्लेट्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R भी जीरो होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट कहाँ हैं बच्चों, इनसाइड में रखे हुए हैं। अब यहाँ चार्ज भी प्रेजेंट हैं बहुत सारे, तो P पॉइंट पर क्या हो रहा होगा वो समझना है अपन को। तो हो जाएगा एट पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक बच्चों, इस पे वो कुछ राइट में होगा और कुछ लेफ्ट में होगा, तब जाके ये नलीफाई हुआ है। तो राइट में कौन दे रहा है और लेफ्ट में कौन दे रहा है, न्यूमेरिकली इसको पॉजिटिव मान लेना है, इसको नेगेटिव मान लेना है, और A की वजह से राइट में होगा और बाकी सब की वजह से लेफ्ट में। जैसा इनका दिख रहा ना बिहेवियर कि A वाला इस एंड पे दे रहा होगा, ये इस एंड पे जा रहे होंगे, नहीं बच्चों, इंटरनली उसका उल्टा हो जाता है। तो Q(a) से राइट में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में किसकी वजह से है वो हो जाएगा Q(a), कंसेप्ट वाला टॉपिक लाइन लिखी है मैंने बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, वो Q(a) को छोड़ के बाकी सबकी वजह से, तो ये हो जाएगा ऑल अदर्स, ठीक है ना। अब नेट फील्ड लिख लेते हैं अपन, क्योंकि देखो P पे तो जीरो आ रहा है, तो विच सिंप्लीफाइज नेट फील्ड पे क्या होगा, ये 6 टर्म्स लिखने हैं अपन को बस, Q(a), Q(b), Q(c), Q(d), Q(e) और Q(f) के टर्म में। राइट वाले पॉजिटिव, मतलब ये वाला आएगा प्लस में और बाकी सारे नेगेटिव में। और फील्ड का प्रिंसिपल फॉर्मूला ये होता है, जिसमें सबके पास कॉमन निकल आएगा 1/2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q(a) प्लस का लगा के और नेगेटिव करके Q(b), यहाँ हो गया बच्चों Q(c), ये हो जाएगा Q(d), Q(e) माइनस ऑफ Q(f). यहाँ तक तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, जीरो है तो इसको अलग कर दो और नेक्स्ट लाइन बड़े ध्यान से लिखना है। ये हो जाएगा Q(a), Q(b) का टर्म पता किया हुआ अपन ने, नेगेटिव लगा के पढ़ोगे तो हो जाएगा Q(1) माइनस ऑफ Q(a) माइनस ऑफ क्या होगा Q(c), और यहाँ पे फिर अपन ने Q(d) पढ़ रखा है, देखो ये आ रहा है Q(2) माइनस ऑफ Q(c), ठीक है, माइनस ऑफ Q(e) है और F का टर्म भी यहाँ पे पता हुआ, ठीक है, तो हो रहा है Q(3) माइनस ऑफ Q(e) और नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो।
सॉल्व करोगे ना तो बच्चों सी वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई वाला टर्म भी कैंसिल होगा, क्यू और क्यू प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ क्यू ए माइनस ऑफ क्यू वन माइनस ऑफ क्यू टू माइनस ऑफ क्यू थ्री बराबर जीरो। ये बता रहा है अपन को कि जो क्यू ऑफ ए होगा ना बच्चों, इन तीनों को उधर भेज दो तो क्या आ रहा है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस ऑफ क्यू थ्री होल डिवाइड बाय टू, और यही हमारा एक बहुत ही बेसिक सा आंसर बन जाएगा जो हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है बच्चों कि कितना भी चार्ज यहाँ प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री उसको सम कर लो और आधा कर दोगे तो इस तरफ मिल जाएगा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है क्यू टोटल डिवाइड बाय टू। ठीक है, और चार्ज कौन सी साइड है, ये वाली साइड कहलाती है आउटसाइड। ठीक, फिर अपन को दोबारा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको मेंशन कर देना है कि सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, या फिर तो पी पे पढ़ा है मैंने, आप आर पे होमवर्क दे रहा हूं मैं, आर पे पढ़ोगे तो वो भी कितना आएगा जीरो, और उससे यहाँ पे आपको टू टाइम्स ऑफ क्यू ए का टर्म नहीं मिलेगा, क्यू एफ का टर्म मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि क्यू ऑफ एफ भी सेम यही आ रहा है, उसका वैल्यू कितना है क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस ऑफ क्यू थ्री डिवाइड बाय टू। तो कंसेप्ट क्या होता है इन वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करने को बोले टीचर, आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों के हमें ये समझना है कि ए और एफ वर्ड से नहीं याद करना है, आप लोगों को इसको न्यूमेरिकली नहीं कंसेप्ट से याद करना है कि जो भी आउटसाइड की सरफेस होंगी ना उनको आधा आधा चार्ज बांट दो। मेरे कहने का मतलब है क्यू ऑफ ए बराबर क्यू ऑफ एफ बराबर क्यू ऑफ आउटसाइड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बस टोटल चार्ज लिखा न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया हाफ। अंदर जो भी बातें हैं ना बच्चों वो इंडक्शन से होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा। अभी ये ध्यान रखो कि सर जो भी चार्ज आएगा वो आधा ये ले गया और आधा ये ले गया, कहानी इतनी सी है बस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पैरेलल मेटालिक प्लेट्स पे ये तीन चार्जेस प्रोवाइड करने के बाद आपने ये देखा कि फर्स्ट और लास्ट प्लेट पे सेम चार्ज मिल रहा था। यहाँ लिखा है मैंने क्यू ए किसके बराबर होगा बच्चों, डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट ये हो जाएगा तीनों प्लेट पे जितना भी टोटल चार्ज दिया गया है ना क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डिवाइड बाय टू के। अब ये बाकी के जो रिमेनिंग चार्जेस है साइड वाले इनको स्टडी करना है। तो बच्चों अगर आप लोगों को बताऊं कि क्यू ऑफ बी कितना होगा, ठीक है, तो वो तो एक कंसेप्ट नहीं बन जाता है अपना, वो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा क्यू वन माइनस ऑफ क्यू ऑफ ए, और यही बातें अपन ने एक पेज पहले भी सीखी थी बच्चों, राइट। देखो यहाँ पे क्यू ऑफ बी कितना हो रहा है क्यू वन माइनस क्यू ए, यही टाइम आ रहा है ना बच्चों। तो उसी के हिसाब से अगर अपन आगे चलेंगे तो यहाँ मिलने लग जाएंगे आंसर्स, क्यू वन माइनस क्यू ए यहाँ समझ में आना चाहिए अपन को। तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू ऑफ वन माइनस लगा के अपन लिखेंगे क्यू वन प्लस ऑफ क्यू टू प्लस ऑफ क्यू थ्री डिवाइड बाय टू। एलसीएम लोगे तो ये तो डबल में मिल जाएगा, और एक कम करोगे तो हो जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q3 होल डिवाइड बाय 2, और यही टर्म अपनी किसकी आ गई Q ऑफ B की। तो ये अपना एक आंसर फिर से कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड साइड पे कितना होगा Q ऑफ B, ये मिल गया है, इसको मालूम पड़ चुका है, और ये तो इक्वली मिल जाता है। अब जो भी चार्ज बच्चों यहाँ पर क्यू बी पे है, यहाँ पे क्यू ए भी लिख देते हैं, ठीक है, जो भी चार्ज क्यू बी पर है वही यहाँ पे इंड्यूस होके बच्चों Q ऑफ C बनाता है, लेकिन माइनस का साइन एक लग जाता है। कहने का ये मीनिंग है कि Q ऑफ C हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना है इसको, माइनस ऑफ Q ऑफ B रहता है। ठीक, तो क्यू बी पे माइनस पढ़ा दो यहाँ पे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3, ये बराबर आ गया अपने डिवाइड बाय 2। ये टर्म किसकी मिल गई अपन को, Q ऑफ C की मिल गई। तो देखो अब ये वाला टर्म भी अपना सॉल्व हो गया है ना। तो देखो एक टर्म तो यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। तो ए बी सी और एफ, अब बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों अपन क्यू ऑफ डी को भी पढ़ सकते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर एक प्लेट पे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए क्यू टू माइनस ऑफ क्यू ऑफ सी। देखो सिंपल हो रहा है ना, क्यू डी चाहिए मुझे यहाँ पे, क्यू ऑफ डी क्या हो जाएगा क्यू टू माइनस क्यू सी हो जाएगा। ये तो ये लिखा गया है बच्चों Q2 माइनस ऑफ QC का टर्म, तो ये मिल रहा है हमें, तो हो जाएगा
माइनस ऑफ क्यू वन प्लस ऑफ क्यू टू प्लस ऑफ क्यू थ्री होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस, ये टू क्यू हो जाएगा, तो आपके लिए मिलने लग जाएगा क्यू वन प्लस ऑफ क्यू टू माइनस ऑफ क्यू थ्री होल डिवाइड बाय टू। तो बच्चों ये भी अपना एक आंसर मिलना शुरू हो गया है। अब आप लोगों ने ए बी सी ये डी पढ़ लिया है और एफ तो पहले से पता ही था। ई कितना होगा बच्चों, वो आसानी से मिल जाएगा इस सेम कंसेप्ट से। जो चार्ज यहाँ पे डेवलप है ना क्यू डी, वही यहाँ पे इंड्यूस होगा लेकिन माइनस के साथ। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा क्यू ऑफ ई विल बी इक्वलिंग, तो ई पे पढ़ना है ना, तो माइनस लगा के वो हो जाएगा क्यू ऑफ डी का टर्म। ठीक, इस तरह लगा दो माइनस, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू वन नेगेटिव ऑफ क्यू टू प्लस ऑफ क्यू थ्री होल डिवाइड बाय टू। तो बच्चों ये अपना एक लास्ट टर्म मिल रहा है। ठीक, अब आप लोगों ने ये जरूर देख लिया कि हम लोगों ने सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं, क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ एफ के बराबर था, और साथ ही साथ आपने सी पढ़ लिया, यहाँ पे डी हो गया क्यू ऑफ ई और क्यू ऑफ एफ। पेपर में या तो कुछ दो पूछ लेता है या तो आउटसाइड पूछ लेता है, और बाहर से पूछेगा तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ये टोटल निकाल के हाफ कर देना होता है। ठीक है, और सी का आंसर ये है, डी आपके पास है, और ई का आंसर ये मिल रहा है। ठीक है, और बी हम लोगों ने पहले ही लाइन में सॉल्व करके रख दिया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं।